नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उस लड़के के बारे में जिससे मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी खुद उसके गांव पर पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, वो लड़का नालंदा जिले के नीमाकोल गाँव का रहने वाला सोनू कुमार है, जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस लड़के ने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के सामने रो रोकर अपनी समस्याओं की गुहार लगाई है कि सर, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ाई करने के लिए हमारे गांव में स्कूल नहीं है और स्कूल हैं तो उसमें टीचर्स नहीं हैं और टीचर्स हैं तो कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश में बात करना क्या इंग्लिश बिल्कुल भी आती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने 11 साल की उम्र में ही, इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने गांव के कई लड़कों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 100-150 रुपए महीना लेकर उसने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके और उसका भी गुजारा हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब वो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चित है, जिसे मिलने के लिए कई यूट्यूबर्स से लेकर कई सोशल मीडिया स्टार, कई सुपरस्टार, काफ़ी लोग उसे उपहार देने के लिए पहुँचे हैं। अब गांव वालों का ये मानना है कि ये लड़का यहीं पर रहे और कई लोग तो ये चाहते हैं कि उसको किसी अच्छे स्कूल में ले जाकर शिफ्ट कर दें ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर आईएएस ऑफिसर बन के गाँव में आए। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पापा जो हैं वो शराब पीते हैं, जबकि यहाँ तो चारों तरफ शराबबंदी लागू है। देखिए, कानून से बचने